नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, हम सभी चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो या ब्लॉगर्स हो, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, हिट्स बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि हम SEO करते हैं, बैकलिंक्स लेते हैं और जगह जगह हम पोस्टिंग्स करते हैं, शेयर करते हैं अपने ब्लॉग्स को, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, हमारे वेबसाइट पे हमारे कस्टमर्स और आए। उसमें एक तरीका है जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, उससे ना कि हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, हमारे ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ेगा, बल्कि SEO में भी उससे हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके का नाम है गूगल रिव्यूज को अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना। रिव्यूज के द्वारा बहुत सारे कस्टमर्स जो है आपकी वेबसाइट पे अट्रैक्ट होते हैं। काफी सारी स्टडीज ने बताया है कि लगभग 75% ऑनलाइन परचेज करने वाले लोग रिव्यूज के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम गूगल रिव्यूज अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हमारी ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट बढ़ने की वजह से कस्टमर्स और आएंगे हमारी वेबसाइट पे, और अगर हम ब्लॉग चला रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। दूसरा फायदा ये है कि लोकल SEO में फायदा मिलता है, जो कि बिजनेसेस के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। और अगर कोई कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे और रिव्यूज पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त बिताता है, तो उससे भी गूगल में आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि जब वेबसाइट पे थोड़ा टाइम कोई भी कस्टमर आकर रुकता है, क्लिक्स करता है, तो उससे आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और हमें फीडबैक मिलता है कस्टमर्स का, जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को और अपने स्टाफ को इवेल्युएट कर सकते हैं और उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट का मतलब डेफिनेट सी बात है कि हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा। दोस्तों, इम्प्रूवमेंट का स्कोप सभी जगह होता है। तो गूगल रिव्यूज को हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली। आप सोच भी नहीं सकते कितनी इजीली। तो मुझे लगता है कि इतने सारे तरीके हम अपनाते हैं अपने वेबसाइट को हिट कराने के, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के, तो क्यों ना गूगल रिव्यूज को हम अपनी वेबसाइट पे आज ही इंप्लीमेंट करें और उसका इफेक्ट देखें। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा और बताऊंगा कि गूगल रिव्यूज को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो मिस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और इस तरह के नए नए वीडियोस खोज के लाने की। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और हम देखेंगे गूगल रिव्यूज विजेट किस तरह से ऐड किया जा सकता है। ये बेसिकली एक प्लगइन है जिससे हमारा विजेट ऐड हो जाता है। विजेट्स क्या है और उसके बारे में हमने, हमारी एक सीरीज है सेटअप वर्डप्रेस ब्लॉग इन 5 इजी स्टेप्स, उसमें बताया हुआ है। तो अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस ईबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा और आई बटन में मैं उसका आपको दे दूंगा कि जो वीडियो है जहां पे हमने उसको डिस्क्राइब कर रखा है, आप उसको देखें, आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो फिलहाल देखते हैं इस प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, रिव्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हमारे जो कस्टमर हैं उन लोगों को रिव्यूज से और फीडबैक से बहुत इफेक्ट पड़ता है और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो आइए देखते हैं इस प्लगइन को सबसे पहले कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम प्लगइन सेक्शन के अंदर एड न्यू पे जाएंगे, यहाँ सर्च पे जाकर के हम टाइप करेंगे गूगल रिव्यूज विजेट। तो आप देख रहे होंगे इसको टाइप करते ही तुरंत ये गूगल रिव्यूज विजेट जो सबसे पहला ये प्लगइन आ गया, यही प्लगइन है, इसको हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा प्लगइन इंस्टॉल हो गया, अब हमें इसे करना है एक्टिवेट। अब हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, अब हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ से हमें मिलेगा और हम कैसे इसको अपने वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपीयरेंस में, विजेट्स में। इस प्लगइन का नाम ही बताता है गूगल रिव्यू विजेट, तो ये एक विजेट ऐड हो जाएगी आपकी। तो हम ये देख पा रहे होंगे गूगल रिव्यू विजेट यहाँ पे आ गई है, और गूगल रिव्यू विजेट को हम जहाँ चाहें वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली मेरा सजेशन ये है कि आप उसको साइड बार में प्लेस करिए। तो साइड बार जैसे कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये साइड बार में आपका ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये विजेट मेरा, मेरी साइड बार जो कि आपको दिख रही है, इसमें ऐड हो गया। अब सबसे पहले मुझे इसमें प्लेस आईडी देना है। प्लेस आईडी देने के लिए हमें एक लिंक ओपन करना पड़ेगा जहां हम प्लेस का नाम दे के आईडी उसका ले लेंगे। वो लिंक आप यहां पे दिस इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके ले सकते हैं। तो वो लिंक मैंने ओपन कर रखा है आप लोगों के लिए। तो ये लिंक है,
इस लिंक में यहाँ पे एक ऑप्शन है गूगल्स प्लेस फाइंडर आईडी, ये लिंक मैं डायरेक्टली आपको डिटेल सेक्शन में दे दूंगा जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। आप वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म पे जहां आप प्लेस आईडी ले पाएंगे। तो देखिए ये प्लेस फाइंडर आईडी आ गया है, मैं यहाँ पे डालता हूँ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली डालते ही दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप एक कोड आ गया, इस कोड को मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, ये हमने कॉपी किया इस कोड को और यहाँ प्लेस आईडी पे हमने इसको डाल दिया। लैंग्वेज आप डिसेबल रख सकते हैं या कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। और हम क्लिक करेंगे कनेक्ट गूगल। देखिए गूगल ने अपने आप दिखा दिया न्यू दिल्ली है, लैंग्वेज है। अब इसका आप टाइटल दे सकते हैं, मैंने इसका टाइटल दिया रिव्यूज। पेजिनेशन दिखाएगा मतलब 5 रिकॉर्ड एक बार में आ जाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा रिव्यूज एक बार में अपने वेबसाइट के मेन पेज पे दिखाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर 120 कैरेक्टर्स ही आपको दिखाएगा जो भी रिव्यू में स्टेटेड होगा। अगर आप इससे ज्यादा देना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद रीड मोर का लिंक आ जाएगा, उससे एक पूरा लिंक अलग से ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका पूरा रिव्यू को भी पढ़ सकता है। आप उसकी विजिट की विड्थ हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। रिफ्रेश रिव्यूज अगर आपका टिक्ड होगा तो जैसे जैसे रिव्यूज आते जाएंगे वैसे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते चले जाएंगे। तो ये सारे टिक्स जो कि इसमें डिफॉल्ट हैं इसको आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, इसके अंदर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसमें अपग्रेड टू बिजनेस वर्जन है इस प्लगइन में, उसकी नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है। आपको इससे आपका रिव्यूज दिखाने का काम है आपको दिखा पाएंगे। और फाइनली हम सेव पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखते हैं कि गूगल रिव्यू विजिट किस तरह दिख रहा है अब हमारी साइट पे। ये हमारा अब इंस्टॉल भी हो गया। तो ये दोस्तों एक सैंपल साइट है जो मैं आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ। इस पे जो भी ईमेल आईडी अटैच्ड है उस पे कोई रिव्यूज अभी है नहीं तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, बट आप देखेंगे इस तरह रिव्यूज करके एक सेक्शन आ जाएगा। आप इसको चाहें तो यहाँ नहीं तो आप इसको टॉप पे प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, हम विजिट को यहाँ से होल्ड करेंगे और ड्रैग करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे टॉप पे। और ये देखिए ये अपडेट हो गया। आइए इसको देखते हैं पेज रिफ्रेश करके। तो आप देख पा रहे होंगे रिव्यूज मेरा टॉप पे आ गया, तो हम जहाँ चाहें वहाँ इसको दिखा सकते हैं। हम चाहें तो इसको फुटर में भी दिखा सकते हैं। तो विजिट एरियाज बहुत सारे हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ पे दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ सी ऑल रिव्यूज पे क्लिक करके और सारे रिव्यूज आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी रिव्यूज होते तो 5 रिव्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहे होते। तो दोस्तों ये था रिव्यूज, और रिव्यूज बहुत जरूरी है आपकी वेबसाइट के लिए। अगर कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है तो अगर उसको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे तो वो 100% सब्सक्राइब करेगा। या अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट है और अच्छे रिव्यूज उस पर मिल रहे हैं तो वो जरूर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या आपकी सर्विसेज लेगा। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट करिएगा, मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आपको दूंगा। हर कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी आप चाहते हो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर प्लगइन का वीडियो आप चाहते हो तो वो भी आप उसमें मेंशन करिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। विश यू लॉट्स ऑफ लक। गुड बाय, टेक केयर।